जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आईएएस का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार समझ लें। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें बताया कि वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें 4,80,000 रुपए दिए है। टोटल डेट दिया हुआ है 16 लाख रुपीज का, यानी जितना भी लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है वो गिवन है 16 लाख रुपीज। उसमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपको गिवन है 10 लाख रुपीज। तो इजिली यहां पे करंट लायबिलिटी निकल सकती है क्योंकि टोटल लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता है, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री हमें दी है 3,40,000 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कीजिए लिक्विड रेशियो को। तो आइए लिक्विड रेशियो स्टार्ट करें आप लोगों के साथ। सॉल्यूशन देखिए जी, हमें लिक्विड रेशियो निकालनी है। अब जो लिक्विड रेशियो है वो कैसे निकलती है, लिक्विड रेशियो निकलेगी जी आपकी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास लिक्विड रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अब लिक्विड रेशियो और करंट लायबिलिटीज आपको चाहिए, तो करंट लायबिलिटी तो आपको इन दोनों चीजों से मिल जाएगी। तो पहले करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए पहला वर्किंग नोट बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन अगर आप करें तो आप देखिए जी कैसे निकालेंगे। ये बराबर होगा टोटल डेट माइनस में लॉन्ग टर्म डेट। टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हटा दीजिए, आपके पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो टोटल कितना है 16 लाख, माइनस कर दीजिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट इज 10 लाख रुपीज। अमाउंट कितना आ गया 6 लाख रुपीज। 6 लाख आपके पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया। अब आइए आगे चले, करंट लायबिलिटी के बाद आपको चाहिए जी लिक्विड एसेट्स। तो आइए अगला वर्किंग नोट देखिए, क्वेश्चन वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के लिए, अच्छा लिक्विड एसेट्स में आपको सबसे पहले हम करंट क्या निकाल लेते हैं, करंट एसेट निकाल लेते हैं। करंट एसेट में से ये इन्वेंटरी और प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसी को लिखूं। देखिए लिक्विड एसेट्स आपके निकलेंगे कैसे, लिक्विड एसेट्स जो होंगे आपके वो होंगे जी करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट माइनस में आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें हमारे पास केवल प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो यहां आपको करना है, मैं करंट लायबिलिटी करंट एसेट निकाल रहा हूं पहले आपके लिए। अब करंट एसेट कहां से निकालिए, देखिए आपको उन्होंने ये वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन और करंट लायबिलिटी आप पहले निकाल चुके हैं, तो करंट एसेट यहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए जी जो वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल जो है ये किसके बराबर है, ये है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल आती है। अब वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन दी है 4,80,000, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आप अभी ऊपर निकल कर आ रहे हैं 6 लाख रुपीज, ठीक है जी। आइए तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी करंट एसेट्स है वो बराबर है, करंट एसेट्स किसके बराबर है जी आपकी, ध्यान से सुनिए, 4,80,000 प्लस में 6 लाख रुपए यानी कि 10 लाख, ठीक है। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन,
10,80,000 आपके पास क्या आ गए जी, आपके पास करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स आपके पास आ गए तो यहां यूज कर लो, 10,80,000 माइनस में इन्वेंटरी क्वेश्चन ने दिए 3,40,000 की, माइनस में प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है जो कि प्रीपेड एक्सपेंस है आपका 20,000 का कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और कोई प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं। चलिए तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे आपके 10,80 में से 20 गए तो कितने बच गए, 10,60, 60 में से 40 गए 10,20, 10,20 में से 3,00,000 और हटा दो तो 7,20,000 कितना आ गया जी, 7,20,000 आ गया। आइए अब इसे यूज कर लीजिए आप यहां पर दोनों को, आपके पास लिक्विड एसेट्स भी हैं आपके पास करंट लायबिलिटी भी हैं, तो 7,20,000 डिवाइड कर दीजिए किससे, 6,00,000 से, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहां 6 है तो 3 जीरो तो पीछे चले गए, 1 जीरो ये गया, ये आ गया 72 12 से और ये 10 से, और कॉमन फैक्टर निकालो तो आपके पास 2 है, 6 और 5, 6/5 लिखो या इसे लिख दो 1.2:1 ऐसे भी लिख सकते हो, और कॉमन फैक्टर निकालना चाहो तो 6/5 लिखो या 1.2:1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1.2 आएगा, 1.2:1 आपकी रेशियो आ गई लिक्विड रेशियो। ठीक है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ।